Welcome to Nietzsche Classes. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नित्या क्लासेस में। और दोस्तों, जिस चीज़ का बड़ा बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे थे, जैसे कि आप जानते हैं कि 68,500 की जो भर्ती पिछली हुई थी, इस बार जो भर्ती है वो है 69,000 की जो भर्ती है। इस भर्ती में कट ऑफ लगा दिया गया है, ये सबको पता है। तो कट ऑफ के लिए कितनी कट ऑफ है, क्या लेटर है, क्या उसके बारे में बात की जा रही है, उन सबको लेकर मैं आपके सामने हूँ। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और शायद आपको विश्वास भी ना हो, जैसा कि पहले ही बता दिया गया था, कट ऑफ हो सकता है हाई हो जाए। तो शुरू करने से पहले दोस्तों कहूँगा, अगर चैनल को अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे रिलेटेड खबर पल पल की मैं आपको देता रहूँ। तो पढ़ते हैं न्यूज़, देखते हैं क्या है न्यूज़ में। चंद्रशेखर विजय सचिव जी ने गया सेवा में, दो को दिया निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज। बेसिक अनुभाग शिक्षा 4 लखनऊ, दिनांक 7 जनवरी 2019 का यह लेटर है जो मुझे मिला है अभी। हालांकि PNP में आने अपलोड जब हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अपलोड हो चुका है, तो मैं इसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परिषदीय प्राथमिक स्कूलों व विद्यालयों हेतु सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक संबंधित किए जाने के संबंध में निर्धारित। तो जैसे आप जानते हैं कि जो हमें 5 जनवरी को लेटर नंबर ये हुआ था, उसमें संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित किए जाने का अनुरोध किया गया, ठीक है। अब इस अनुरोध में क्या हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इस संबंध में मुझे कहने का ये निर्देश हुआ है कि शासन सम्यक विचारों उपरांत सहायक शिक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षा जो 2019 की आयोजन हेतु निर्गत शासन आदेश, जो ये शासन आदेश है जो 1 तारीख को रिलीज हुआ था, 6/4/2018 दिनांक 1/12/2018 के क्रम में परीक्षा परिणाम हेतु निम्नवत न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 2019 के लिए होगा ए, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 150 में से 97 अंक, याद रखिएगा 150 में से 97 अंक यानी 65% अंक लाने अनिवार्य हैं, तभी आप इस परीक्षा का फॉर्म भर पाएंगे। यानी 65% अंक, मैं पूरी बताऊंगा, बहुत हाई कट ऑफ है, 97 मार्क्स काफी होते हैं। उसके अलावा जो खै परिशिष्ट है उसमें भी कुछ दिया हुआ है, खै परिशिष्ट भी मैं दिखा देता हूँ आपको, जो खै परिशिष्ट है उसके बारे में थोड़ा सा दिखा दें आपको। तो जो खै परिशिष्ट वो ये कहता है आपके सामने कि अन्य समस्त आरक्षित वर्ग, अब जितने भी आरक्षित में चाहे SC है चाहे OBC है, जो भी इसमें आएंगे आरक्षित वर्ग में, को 150 में से 90 अंक यानी आपको 60% अंक एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक परीक्षा भर्ती के हेतु उत्तीर्ण माना जाएगा। उपरोक्त क एवं ख के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थी 69,000 रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञप्ति पदों पर आवेदन करने के अधिकारी होंगे एवं उपरोक्त न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर सफल होने मात्र पर ही किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा, माना नहीं जाएगा। इसका पेज नंबर 2 आ जाता हूं दोस्तों, जहां पर कुछ कंडीशन और दी हैं। तो मानदंडों में से ही सिर्फ एक है परीक्षा पास करना, ऐसा नहीं उसको नियुक्ति मिल जाएगी। निर्धारित विज्ञप्ति पदों की संख्या 69,000 से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण होने की स्थिति में सफल होने वाले कुल अभ्यर्थियों में से अंतिम मेरिट के आधार पर विज्ञापित पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली के संशोधन के अकॉर्डिंग आर्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। शेष अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से स्वतः बाहर हो जाएंगे, जिनके 94 यानी 95 से कम मार्क्स हैं जनरल में और 90 से कम मार्क्स है वो स्वतः ही बाहर कर दिए जाएंगे। और एक सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, न्यूनतम उत्तीर्णांक के संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरा लेटर का सार है, तो एक बड़ी न्यूज है ये, और आप देख लीजिएगा कितने अंक पर रिजल्ट आ जाएगा। और ये चंद्रशेखर जी के साइन, ये सब जगह प्रतिलिपि जा चुकी है, और इस प्रतिलिपि का मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये न्यूज ऑथेंटिक इसलिए भी क्यों दोस्तों, मैंने न्यूज चैनल पर भी देखा है, न्यूज चैनल पर भी ये न्यूज वायरल हो चुकी है कि 65% जो है मार्क्स कर देंगे जनरल कैटेगरी में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने आ चुकी है, अब देखते हैं क्या मार्क्स में है, क्या रिजल्ट निकलता है, तो इन सब पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पल पल की खबर क्या हो रहा है वो सब मैं आपको देता रहूंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और विश यू ऑल द बेस्ट सभी के लिए।